Hello everyone, welcome you all in this lecture. In this lecture we will discuss about the force between two parallel current carrying conductor. Means kya matlab ki do agar parallel current carrying conductor hai to unke beech mein force lagega. Kaise force lagega we will see. First of all let us consider karte hain ki hamare paas ek current carrying conductor hai. This is ek current flow hai. ये current conductor है A और इससे current flow रहा है IA. Now as we know जैसा कि topic है हमारा कि दो अगर parallel current carrying conductor है उनके बीच में force लगेगा. ये force कैसे आया, इस force का nature क्या होगा, magnitude का क्या होगा, इस पूरे lecture में हम इस चीज को देखेंगे, derive करेंगे. So first of all as we assumed let us consider एक हमारे पास conductor है A जिससे करंट फ्लो हो रहा है IA. नाउ हम अपने पहले और एक दूसरा कंडक्टर है हमारे पास, दिस इज दूसरा कंडक्टर है, दिस इज IB. ये B कंडक्टर है और इससे करंट फ्लो हो रहा है IB. नाउ अब अगर ये दोनों कंडक्टर को हम पैरेलल रखते हैं, मींस फर्स्ट कंडक्टर है A जिससे करंट IA फ्लो हो रहा है, सेकंड कंडक्टर इज B जिससे करंट IB फ्लो हो रहा है, अगर इस दोनों कंडक्टर को पैरेलल रखते हैं तो इसमें फोर्स एग्जिबिट होगा, दोनों कंडक्टर पे फोर्स एग्जिबिट होगा. कैसे इसको देखेंगे हम. एज वी नो कि लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. मींस कि अगर कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंडक्टर है उससे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. ऑब्वियसली ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, इससे करंट फ्लो हो रहा है तो ये सराउंडिंग में क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड. यानी कंडक्टर ए सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया बी ए. लेट अस कंसिडर कि ए कंडक्टर जो है वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया बी ए. क्यों, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट अगर होता है या करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसको जब सराउंडिंग में रखते हैं तो वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. नाउ सेकेंडली अब बी कंडक्टर की बात करते हैं, तो बी भी कंडक्टर क्या होगा, इससे करंट फ्लो हो रहा है तो बी भी एक हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. लेट अस कंसिडर कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दैट इज बी बी. नाउ ये तो हो गया कि दोनों कंडक्टर जो है स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, हम एज्यूम करते हैं दिस इज स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर. सो दोनों कंडक्टर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अपने अपने कारण, मतलब आईए के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, आईबी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बीबी जनरेट हुआ. नाउ सेकेंड केस क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया था कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस एलिमेंट पे या उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है. यानी दो चीज होगा, फर्स्ट केस कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सराउंडिंग में अगर रहे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. सेकेंड केस कि अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा. यानी दो चीज है, कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, यानी अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. सेकेंडली इस करंट कैरिंग एलिमेंट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स एग्जिबिट करेगा, यानी इस पर फोर्स लगेगा. सो इस दोनों कह सकते हैं, इस दोनों पॉइंट को, इस दोनों डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं. यानी ए क्या हुआ, ए जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, बी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये भी सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया. लेट अस कंसीडर ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ दैट इज बी ए, यहां बी ए प्रेजेंट है. नाउ अब अगर केवल इस कंडक्टर की बात करते हैं तो ये कंडक्टर बी ए के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है. यानी द केस इज जो बी कंडक्टर है जिससे आई बी करंट फ्लो हो रहा है वो बी ए के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, और जो करंट कंडक्टर ए है जिससे आई ए करंट फ्लो हो रहा है वो बी के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है. यानी ये कंडक्टर इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और ये कंडक्टर इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है. नाउ ऑब्वियसली बी के बाद में बात अगर हम करते हैं तो कंडक्टर बी जिससे आई बी करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बी ए में प्रेजेंट है. तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर फोर्स लगेगा,
यानी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर बी जो है जिससे आई बी करंट फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी ए में प्रेजेंट है तो इस पे फोर्स लगेगा। इट मींस जो एक कंडक्टर ए है ये कंडक्टर बी पे फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली कंडक्टर ए जो है जिससे आई ए करंट फ्लो हो रहा है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, दैट इज बी के मैग्नेटिक फील्ड में। यानी यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है बी बी, तो कंडक्टर ए जो है वो बी 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 के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। इट मींस आई जो ए करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी जो कंडक्टर ए है वो मैग्नेटिक फील्ड बी ए में प्रेजेंट है तो इस पे फोर्स लगेगा। इट मींस कि इस कंडक्टर पे ये कंडक्टर फोर्स लगा रहा है और इस कंडक्टर पे ये फोर्स लगा रहा है। तो ये तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि दो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको पैरेलल रखते हैं तो उन दोनों में फोर्स लगेगा। नाउ फोर्स कैसे आया, बिकॉज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगेगा। यानी करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो इस पर फोर्स लगा। सो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कोई भी दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो आपस में फोर्स लगाएंगे। फर्स्ट कंडक्टर सेकंड पे फोर्स लगाएगा, सेकंड कंडक्टर फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा। नाउ वी विल सी द नेचर। अब इस फोर्स का नेचर क्या होगा उसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेट अस एज वी नो कि कोई भी अगर एक, क्योंकि हमने कंसिडर किया ये स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर जनरेट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी। दिस इज म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी। नाउ क्योंकि कंडक्टर ए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसको हम बी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस इज म्यू नॉट आई ए बाय टू पाई डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस। यानी इस पॉइंट पे जो कि कंडक्टर ए से डी डिस्टेंस पे है, वहां पे जो उस पॉइंट पे, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट पी और दिस इज पॉइंट क्यू, यानी पॉइंट पी पे जो कंडक्टर ए से डी डिस्टेंस के दूरी पे है, उस पॉइंट पी पे जो कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, म्यू नॉट आई ए बाई टू बाई डी। नाउ सेकेंड क्या, अब कंडक्टर बी की हम बात करते हैं, तो कोई भी कंडक्टर अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी। ओके बी क्या हुआ, अब इस कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो B की वैल्यू होगी दैट विल बी BA, क्योंकि ये कंडक्टर तो A के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, A जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर B प्रेजेंट है, सो ऑब्वियसली B की वैल्यू क्या होगी, BA, IL, IB और L की वेक्टर। सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस इज FM इज इक्वल टू IB L वेक्टर इनटू दिस इज BA वेक्टर। नाउ इस कंडक्टर के लिए जो करंट कंडक्टर ए है वो मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। आई ए में राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, आई ए के क्रॉस थंब को रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे पॉइंट पी पे, फिंगर इनवर्ड जा रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां जो होगा दैट इज इनसाइड द प्लेन। नाउ अब फोर्स का डायरेक्शन हमें देखना है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है और करंट वाई एक्सिस के अक्रॉस जा रहा है तो फोर्स क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, यानी अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो एफ एम विल बी मैग्नीट्यूड एफ एम क्या होगा, आई बी एल बी ए, दोनों वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो दिस इज म्यू नॉट आई ए आई बी एल बाई टू पाई डी। एल का मतलब क्या हुआ, हमने एक
स्मॉल क्रॉस सेक्शन, स्मॉल एरिया लिया, लेंथ लिया, इस पे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ पूरा, क्योंकि रॉड तो इनफाइनाइट है, कंडक्टर इनफाइनाइट हमने अज्यूम किया है, तो स्मॉल पार्ट पे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ एम बाई एल। सो ये क्या होगा, म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई डी। मीन्स ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि कंडक्टर दो पैरेलल कंडक्टर था ए और बी, ए में करंट फ्लो हो रहा है आई ए, बी में करंट फ्लो हो रहा है बी आई बी। नाउ ए कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा बी ए, नाउ बी कंडक्टर बी ए मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और ये बी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई डी। यानी जो कंडक्टर बी पे ए के कारण जो फोर्स लग रहा है, यानी हम लिख सकते हैं कंडक्टर बी पे ए के कारण जो फोर्स लग रहा है म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई डी पर यूनिट लेंथ फोर्स। नाउ वी विल सी कि ये तो था कंडक्टर बी पे कितना फोर्स लग रहा है, नाउ वी विल टॉक कंडक्टर ए पे कितना फोर्स लगेगा। सिमिलर अगर बी की बात करते हैं तो बी अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं बी बी, यानी बी अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा डी डिस्टेंस के दूर पे, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई डी। नाउ अब इस बी की डायरेक्शन क्या होगी, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, फिंगर कर्ल करेंगे, बी की डायरेक्शन हुई आउटसाइड द प्लेन, यानी इसको डॉट से डिनोट कर सकते हैं। नाउ कंडक्टर ए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी बी में प्रेजेंट है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड बी के द्वारा जनरेट किया हुआ है, तो कंडक्टर ए जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। नाउ वी विल सी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उस पर फोर्स लगेगा, उसका एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं दैट इज एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन ए, इसको कैपिटल एफ लिखते हैं एफ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये क्या होगा, अगेन आई एल बी, क्योंकि अगेन करंट का डायरेक्शन और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी के कारण उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो फोर्स दोनों के बीच का एंगल 90 है, सो दिस इज आई एल बी, सो दिस इज आई ए एल और बी बी। इस एक्सप्रेशन को अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो अगेन जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, फोर्स ओवर कंडक्टर ए ड्यू टू बी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू अगर बात करते हैं, दिस इज म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई। नाउ अब इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम बात करते हैं एफ बी ए एफ ए बी, एफ बी ए क्या है, कंडक्टर बी पे फोर्स लगा है ए के कारण, वो है एफ बी ए। एफ ए बी क्या है, कंडक्टर ए पे जो फोर्स लग रहा है बी के कारण, अगर हम देखें इन दोनों फोर्स की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू बराबर है, इट मींस एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी मैग्नीट्यूड वाइज हम कह सकते हैं। यानी एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी, ये मैग्नीट्यूड वाइज करते हैं। नाउ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन को समझने के लिए हम देखेंगे नाउ अगर एफ बी ए की बात करते हैं, यानी फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू कंडक्टर ए, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, कंडक्टर बी के लिए करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, करंट के डायरेक्शन में हमने फिंगर को रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल किया, थंब का डायरेक्शन ये आया, इट मींस मैग्नेट जो फोर्स बी पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एफ बी ए। नाउ अगर कंडक्टर ए की बात करते हैं तो अगेन यहां मैग्नेटिक फील्ड जो बी के कारण जनरेट हो रहा है वो आउटसाइड द प्लेन है, करंट के डायरेक्शन में हमने फिंगर को रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल किया, इस डायरेक्शन में जो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन, सो ये डायरेक्शन क्या होगा, कंडक्टर ए पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है।
यानी अगर हम देखते हैं कंडक्टर बी पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, कंडक्टर ए पे ए बी कंडक्टर ए पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, यानी अगर वेक्टर वाइज हम देखते हैं तो वी कैन से एफ ए बी वेक्टर एफ बी इक्वल टू एफ बी ए, यानी जो दोनों कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कंडक्टर इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये कंडक्टर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी जो फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिंग है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। इट मींस ये न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड कर रहा है, ये दोनों जो फिनोमिनन है वो न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड कर रहा है, यानी जितना फोर्स कंडक्टर बी पे लगा ए के कारण उतना ही फोर्स कंडक्टर ए पे लगा बी के कारण, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा। इट मींस वी कैन से कि ये जो नेचर है फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्टिंग है, यानी अगर दो पैरेलल कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं, दो पैरेलल कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रखते हैं और करंट का डायरेक्शन सेम है दोनों केस में, इन दैट केस जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिंग नेचर का होगा। नाउ वी विल सी कि अगर एंटी पैरेलल केस है, दोनों केस में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दैट इज म्यू नॉट आई ए बाई आई बी बाई टू पाई डी, ये क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये टोटल फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। नाउ लेट अस कंसीडर इसका अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल केस हो गया, यानी दोनों कंडक्टर तो पैरेलल है, इनफाइनाइट है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन एंटी पैरेलल है, ए में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, बी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। नाउ वी सी इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट जो होगा, आइए इनसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जनरेट हुआ। नाउ फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, करंट का डायरेक्शन ये है, फिंगर को हमने कर्ल किया, फिंगर को करंट का डायरेक्शन रखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आया, आउटसाइड। सो दिस इज जो बी ए पे फोर्स लगेगा वो किधर लगा, इस डायरेक्शन में। नाउ अब यहां बात करते हैं बी के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट का डायरेक्शन ये है, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिंगर को कर्ल किया हमने, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, फिंगर को कर्ल किया, इनसाइड द प्लेन, दिस इज क्रॉस। नाउ अब इस केस में बी जो मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट कर रहा है उसमें कंडक्टर ए प्रेजेंट है, उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन देखना हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थंब के डायरेक्शन, फिंगर को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है तो अंदर कर्ल किया अंदर के डायरेक्शन में, दिस इज एफ ए बी, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा अगेन इन दिस डायरेक्शन एफ ए बी। नाउ वी कैन सी अगर करंट एंटी पैरेलल है, यानी दो पैरेलल करंट कैरिंग, दो पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर हम लेते हैं और दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दैट केस जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन की तरह होगा, नेचर का रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी इस दोनों से हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि इफ करंट आर इन सेम डायरेक्शन, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव होगा। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव। सी दैट फोर्स हमारा रिपल्सिव है, यानी अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी करंट का डायरेक्शन सेम है, इन दैट केस दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। नाउ अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों करंट का डायरेक्शन, दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, इन दैट केस फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा, यानी रिपल करेंगे। ये जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक केस के, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, टू सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यहां टू सिमिलर डायरेक्शन ऑफ करंट अट्रैक्ट कर रहे हैं और टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रिपेल कर रहे हैं। तो जस्ट समझने के लिए कॉन्ट्रेरिटी टू इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सो बेसिकली ये पूरा लेक्चर जो था इस डील विथ कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इन दैट केस
क्योंकि दोनों कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि कंडक्टर से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। नाउ इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के लिए सराउंडिंग हो गया, और क्योंकि दूसरा कंडक्टर से भी करंट फ्लो हो रहा है और वो सराउंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगेगा। सो वी कैन से दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। वो फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड वी कैन से फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी बाई टू पाई डी। आई ए क्या है? करंट ड्यू फर्स्ट ए कंडक्टर में करंट, बी आई बी है सेकेंड कंडक्टर में करंट कितना फ्लो रहा है, और डी क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस। नाउ करंट का नेचर, फोर्स का नेचर कैसा होगा? अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर में तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है दोनों कंडक्टर में एक दूसरे के तो फोर्स रिपल्सिव होगा। दैट सिंपल। नाउ सिमिलरली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इट्स नॉट फॉर ओनली कोई स्ट्रेट कंडक्टर, अगर एक सर्कुलर कंडक्टर दिया है इन दैट केस विल सी अगर कोई सर्कुलर कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ऑब्वियसली अगर इससे करंट आई ए फ्लो रहा है, इससे करंट आई बी फ्लो रहा है, दिस इज ए बी, तो एज वी नो कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इट मीन्स ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो बी का सराउंडिंग हो गया। अब यहां मान लेते हैं ए के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी ए जनरेट हुआ। नाउ अब एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा। इट मीन्स अगेन अगर दो पैरेलल सर्कुलर लूप को भी हम रखते हैं तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। सो ऑन द होल वी कैन से कि टू करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रखते हैं पैरेलल एक दूसरे के, आइदर वो करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट रॉड हो स्ट्रेट, या सर्कुलर लूप हो या रेक्टेंगुलर लूप हो, अगर टू करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल हम रखते हैं उनके बीच में फोर्स लगेगा। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी और डिपेंड उसकी नेचर डिपेंड करेगी कि वेदर करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम है या अपोजिट है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड वी विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।